10 private big schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. हम ये जानना चाहते हैं कि भाई आपको उत्तर प्रदेश की हालत देख के तो बहुत दुख होता है, आपको महाराष्ट्र की हालत देख के कभी दुख नहीं हुआ जहां पे किसानों ने आत्महत्या कर ली? आपको दिल्ली की हालत देख के दुख नहीं हुआ जहां दो दिन पहले एक लड़के को सरेआम पीटा गया उसकी एक गार्ड को, और वो कह रहा है मैंने अपराधियों को पहचान लिया और दो दिन तक अपराधी खुले घूमते रहे? आपको दिल्ली की हालत देख के दुख नहीं होता? आपको असम की हालत देख के दुख नहीं होता जहां देश का सबसे बड़ा पीटीएस घोटाला हुआ? आपको दुख इस बात का है कि पिछले 21 साल से उत्तर प्रदेश लुट रहा है, या दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो एक बड़ा, इस देश का सबसे बड़ा पुलिस घोटाला हुआ, पुलिस भर्ती घोटाला, उसमें किसान लोग बैठे हुए हैं, मजदूर लोग बैठे हुए हैं, दुकानदार लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने बेटे को पुलिस वाला बनाने के लिए 9-9 लाख रुपए तक की रिश्वत दी? तो आपको दुख इस बात का है कि उस 9 लाख रुपए में से 1 रुपए का कमीशन सारा का सारा मुलायम सिंह जी के खाते में पहुंच गया, 1 रुपए का अपने खाते में नहीं पहुंचा? इस बात का दुख है आपको? या आपको इस बात का दुख है कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य घोटाला एनआरएचएम घोटाला हुआ जिसमें 7 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, मार दिए गए हैं, और उस 5,000 करोड़ रुपए में से एक पाई 10 जनपद तक नहीं पहुंची, 10 जनपद तक नहीं पहुंची, कांग्रेस हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंची? इस बात का दुख है? और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मायावती जी के बारे में बात क्या करें? रोज आप उनका घोटाला देख ही रहे, कोई दिन ऐसा होगा, उन्होंने कहा 21 मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, 4.5 साल तक जो कमा के देते रहे वो आज 21 भ्रष्टाचारी हो गए। क्या हम ये मान लें कि बाकी के जो हैं नसीमुद्दीन जी जैसे और कई सारे साथी वहां पर हैं उनके, वो भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या उनके भ्रष्टाचार के बारे में सवाल नहीं उठ रहे? लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे रही है। अन्ना जी ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी पार्टियों के लोगों, नेताओं, आप लोग जनता के बीच जा रहे हो, यह उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 1 साल से तिरंगा हाथ में लेकर एक हाथ में कैंडल लेकर जोर जोर से चिल्ला रही है कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहते हैं, हमें कानून दे दो। तो आप उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जब वोट मांगने जा रहे हो अगले 5 साल के लिए, तो जाओ और जाके बताना, जरा साफ कर देना कि कैसा लोकपाल लेके आओगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कैसा कानून लेके आओगे। किसी पार्टी ने जवाब नहीं दिया, किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा। समाजवादी पार्टी की तरफ से, एकमात्र पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब आया, और क्या लिखा था जवाब में रामगोपाल जी ने? उन्होंने लिखा, अन्ना हजारे जी, हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है, आप घोटाले करो और हम कहें कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो तो उपदेश हो गया? जनता 1 साल से कानून मांग रही है और आपसे पूछ रही है अगर सत्ता में आए तो कैसा कानून लाओगे? अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिख दी तो वो उपदेश हो गया? जनता सवाल करे तो उपदेश, जनता सवाल करे तो लोकतंत्र कमजोर, जनता सवाल करे तो संविधान का अपमान। और संविधान का अपमान उस दिन नहीं हुआ था जब उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता की मांग पे देश की संसद 3 दिन के लिए बैठी थी और रात को 10 बजे तक बहस हुई थी 27 दिसंबर को आपके और मेरे मांगे हुए कानून पे। और उस वक्त यह तय होना था कि कांग्रेस का बनाया हुआ सबसे घटिया कानून, सबसे खतरनाक कानून संसद में पास होगा कि नहीं होगा, यह तय होना था। और जब रात को 10 बजे वोटिंग होनी शुरू हुई तो मुलायम सिंह जी के और मायावती जी के सांसदों के साथ डील हो गई कांग्रेस की, और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। रात को 10 बजे जिस वक्त वोटिंग हुई, समाजवादी पार्टी के और बसपा के सारे सांसद उठ के बाहर आ गए, धोखा दे दिया आपको और हमको, धोखा दे दिया इस देश के लोकतंत्र को, धोखा दे दिया संसद को। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि देश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगली बार जब किसी मुद्दे पर चर्चा हो, जब चर्चा हो कि हमें जमीनें लेनी है कि नहीं लेनी है बड़ी बड़ी कंपनियों को देने के लिए, बड़े बड़े आलिशान मकान बनाने के लिए, और किस भाव पे देनी है, तो आपका प्रतिनिधि आपसे पूछ के बात करे, अपनी पार्टी के मुखिया के कहने पर बात ना करे, ऐसा नियम होना चाहिए। व्यवस्था ऐसी भी होनी चाहिए कि आपके इलाके का थानेदार अगर बेईमानी करता है, आपके इलाके का कलेक्टर अगर बेईमानी करता है, तो ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि इस तरह की सभाएं हों और सभा में एक आदेश पारित हो कि मुख्यमंत्री जी, आपके इलाके आपका जो थानेदार है वो बेईमान हो गया है, उसको सस्पेंड करते हैं हम और इसको स्वीकार कीजिए, और ये जनता का आदेश के रूप में लखनऊ चला जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सपना है साथियों, ऐसा देश बनाना है। ये पिछले 1 साल से जो लड़ाई लड़ी गई,
उससे हमें यह समझ में आया कि चार पांच छह सात जितनी आप पार्टियां गिन लीजिए, इनमें से कोई इस सपने को सच नहीं कर सकती। क्योंकि तो उनका सपना हमको लूटना है और हमारा सपना एक बेहतर देश है। कोई सपने को सच नहीं करेगी। यह लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, आंदोलन के साथ लगातार खड़े रहना पड़ेगा। ये तिरंगे अभी कुछ हाथों में दिख रहे हैं, एक एक हाथ में तिरंगा उठाना पड़ेगा, एक एक हाथ में कैंडल उठानी पड़ेगी और सड़क पर उतरना पड़ेगा। अभी और लंबी लड़ाई चलेगी, लेकिन इस चुनाव को सिर्फ कुछ सवालों के रूप में इस्तेमाल कीजिए। आप किसी ऐसे राजा को चुन लेंगे जो आपके लिए ईमानदारी से काम करेगा, ऐसा होना संभव नहीं है। किसी को चुन लीजिए, और यहां इस इलाके में खड़े हुए 15-20 लोगों में से कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, ये मैं गाजियाबाद में रहकर आपको नहीं बता सकता। ये मुझसे कहीं ज्यादा आप में से बैठा हर आदमी जानता है।